में बात करेंगे यूपी के हमीरपुर की, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी करते हुए वाटर प्लांट को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि वाटर प्लांट चलाने के लिए मौके से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पकड़ा गया यह प्लांट सुमेरपुर थाना कस्बे में संचालित होता था, जहाँ सूचना पर पहुंची टीम ने छापेमारी की तो यहाँ पर प्लांट में दो मशीनें लगी हुई थी, जबकि 600 बोरी पाउच पैक भी मिले हैं। दरअसल वाटर प्लांट चलाने के लिए पंजीकरण के संबंध में प्लांट संचालन पवन साहू ने बताया कि उसने 15 दिन पहले ही प्लांट शुरू किया है और पंजीकरण के लिए दस्तावेज भी भेज दिए हैं। किसी भी वाटर प्लांट को चलाने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन रूरल इलाकों में अधिकतर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। बिना BIS बिना FSI के लाइसेंस के ये मशीन है और पैक माल किया जाता है। सर कस्बे में और भी मशीनें चली जा रही हैं? पूरे जनपद में ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। क्या पूरे जनपद में कोई लाइसेंस नहीं है? नहीं, केवल एक लाइसेंस है, BIS ताज मौदान में एक लाइसेंस है और जिसके भी चल रहे हैं, जैसे भी पता चलेगा ईश्वर सूत्रों से आप लोगों द्वारा सरकार। सर इस प्लांट का संचालन कौन कर रहा था? इस प्लांट का संचालन सूरज साहू कर रहे थे।